आज मैं बताऊंगा आपको कि लाइटिंग का नियम क्या होता है और इसका क्या क्या काम होता है। इसकी आकाश से जब बिजली गिरती है तो वो 12.5 करोड़ वाट की बिजली पैदा करती है, और अगर आपकी ऊंची मकान है तो मकान पे गिरता है तो मकान को फाड़ के रख देती है, इसीलिए उस पर लाइटिंग कंडक्टर लगाया जाता है। लाइटिंग कंडक्टर का ये काम होता है कि आपकी अगर बिल्डिंग पे बिजली गिरती है तो लाइटिंग कंडक्टर उसे खींच कर सीधे ग्राउंड कर देती है। लाइटिंग कंडक्टर से एक सीधा तार कॉपर का जो होता है वो अर्थ किया जाता है, और वो जैसे ही लाइट बिजली आपके आसपास में गिरेगी तो लाइटिंग कंडक्टर उसको खींच के सीधे ग्राउंड कर देती है। जैसा कि आप इस ऊपर वाले इमेज में देख रहे हैं, लाइटिंग कंडक्टर का काम किया हुआ है एक बिल्डिंग में, जैसे कि लाइटिंग कंडक्टर ऊपर लगा हुआ है और इस पर बिजली गिरती है तो ये सीधे डायरेक्ट इसको खींच के ये ग्राउंड कर देती है। आप इस इमेज से आप समझ सकते हैं। ये लाइटिंग कंडक्टर रॉड है, ये वायरिंग आई हुई है और नीचे ग्राउंड में अर्थ किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।